हेलो स्टेल जिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझे क्लास ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या ना चैप्टर बाय चैप्टर में देख रहे हैं। आज के हम लोग देखेंगे क्लास में रेट मेजर और दूसरा एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो रेट और मेजर से ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से एग्जाम में दो क्वेश्चन होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव आसान क्वेश्चन होता है। देखो आज हम पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रेट मेजर का क्या करा है कि एक वृत्त की त्रिज्या ने आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, तब आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। आर बराबर दिया हुआ 6 और क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, मतलब डी ए बाई डी आर बराबर भाग ए पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो डी ए बाई डी आर, तब पाई रह जाएगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2r। अब इसमें देखो आर का वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ 6, इसको गुना करो क्या हो जाएगा 12 पाई। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या निकल गया बी, हम 12 पाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसको नोट करते फिर देखते सेकंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखें, सेकंड में क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या दे दिया 6 सेंटीमीटर, फिर करा आर के सापेक्ष परिधि, अब की क्षेत्रफल वहां बोला था, अभी क्या ना परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, तो परिधि को क्या से सूचित करेंगे पी से, और किसके सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष, डी पी बाई डी आर ए कलर फॉर ए ज्ञात करो। तो हम लोग जानते हैं तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है ना 2πr, ए होता है वृत्त का परिधि, क्या होता है 2πr। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो डी पी बाई डी आर, तो 2πr, आर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1, किसके सापेक्ष है आर के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या बच गया 2π। यहाँ आर है क्या नहीं है, तो आर का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या निकल गया, तब वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर क्या होगा 2π। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, ए मैच कर गया, ए हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस तरीके से बनाते अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड, क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड में क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या होना बढ़ रही है, तो समान त्रिज्या बढ़ रहा है डी आर बाई डी टी क्या लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फिर करा इसके क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब डी ए बाई डी टी इक्वल टू भाग पूछ दिया, जब त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर ए हो जाए। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो डी ए किसी के सापेक्ष नहीं, मतलब किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, तो डी ए बाई डी टी, तब पाई पाई कांस्टेंट रह गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2r, फिर r का डिफरेंशिएट डी आर बाई डी टी, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम के सापेक्ष क्या ना पूछ रहा है परिवर्तन, तो ना यहाँ पे 2 पाई इंटू 2 r, r का वैल्यू कितना 10 रख दो, इंटू डी आर बाई डी टी कितना 3 ए दिया हुआ, इसको गुना कर लो 3 × 6 × 10 = 60 आ जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते थे, इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा बी मैच कर जाएगा, ए हो गया आंसर। तो जब हम लोग वृत्त का त्रिज्या दे दे, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे दे और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ दे और जब त्रिज्या दिया हुआ, तो इस तरीके से फाइंड करते ये होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करते फिर हम लोग समझते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि की दर ए दिया हुआ क्या ना 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसकी परिधि की वृद्धि होगी, सो पूछ रहा है इसमें कि क्या ना यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या बढ़ रहा है, मतलब डी आर बाय डी टी इक्वल टू कितना से 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, फिर इसकी परिधि की वृद्धि पूछ रहा है, तो परिधि मतलब क्या ना डी टी बाई डी टी इक्वल टू भाग ए ए पूछ रहा है। तो हम लोग ना वृत्त की परिधि जानते क्या होता है ना पाई आर एस 2πr होता है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो डी पी बाई डी टी, तो 2π और r का क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी ये हो गया। अब देखो 2π r का मान डी आर बाई डी टी का मान अभी कितना 0.4, अब इसको गुना कह लेते तो क्या आ जाएगा ना पाई 4 × 8 तो 0.8π ए आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा बी, ए हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको नोट करते फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में हम लोग देखेंगे ना ये रेट मेजर से ना ये 4 क्वेश्चन अगर हम लोग कंप्लीट कर लें तो आपका क्या ना रेट मेजर से आने वाला
किचन कंप्लीट होगा। तो रेट मेरे से ऑब्जेक्टिव यही आपका ना, ये चार टाइप से आ सकता है, आपको चार टाइप का किचन दे दिए क्या ना, चार टाइप से बताएं और यही चार टाइप से आएगा। या तो यहाँ पे कुछ डिजिट चेंज कर देगा या किचन यही पूछ देगा, राइट है। तब हम लोग किचन देखेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का, इसको नोट करते। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन और फर्स्ट देखो, इंक्रीज वर्धमान एवं ह्रासमान का करना कि यदि एफ एक्स ए फंक्शन दिया हुआ या फंक्शन से प्रदत्त फलन एफ, बता यह फंक्शन निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है या वर्धमान एवं ह्रासमान दोनों ए बताओ। इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x और 4x का 4a कह लिए। अब इसमें ना क्रिटिकल पॉइंट निकालो एफ डैश एक्स, मतलब यहाँ जीरो कर दो यहाँ पे, या हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे अगर एक्स का मान नेगेटिव में रखेंगे तो मान नेगेटिव भी आ जाएगा और पॉजिटिव में रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग इंक्रीजिंग निरंतर ह्रासमान उसे कहते हैं, निरंतर वर्धमान किसे कहते हैं, अगर रिजल्ट पूरा पॉजिटिव आता हो उसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान, और ह्रासमान बोलते हैं अगर पूरा रिजल्ट नेगेटिव आता हो उसको कहते हैं क्या, निरंतर ह्रासमान। वर्धमान ह्रासमान किसे कहेंगे, जो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धमान एवं ह्रासमान। अगर इस एक्स का मान पॉजिटिव पुट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एक्स का मान अगर नेगेटिव पुट करेंगे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ से इधर हाँ तो ए आ गया, जैसे यहाँ पे ना इसको ऐसे निकालते भी एफ डैश एक्स बराबर जीरो कर लो तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 बराबर जीरो, तो 2x बराबर 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4/2 मतलब 2 आ गया, तो x का मान 2 अभी एक कर दिए, अभी हम माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। x का मान 2 से बड़ा रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा ना, पॉजिटिव में, 2 से छोटा रखेंगे तो मान नेगेटिव में, समझे नहीं, 2 से बड़ा मतलब 3 इधर होगा 3 यहाँ रखो तो 3 दूना 6 और माइनस 4 रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव में। अगर 2 से छोटा रखो 1 रखो तो 1 रखेंगे तो 2 माइनस 4 क्या आ गया, माइनस 2 नेगेटिव आया। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब आपका डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मतलब क्या, इंक्रीजिंग। तो ह्रासमान वर्धमान दोनों है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट नोट फर्स्ट बना कंप्लीट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से समझाएं, डिफ्रेंशिएट करके ही पता कह लो नेगेटिव पॉजिटिव आने वाला है, या आप इस तरह से एक्स का वैल्यू निकाल के और नंबर लाइन पर चेक कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है तो वर्तमान ह्रासमान कहेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना, दो में क्या ना एफ एक्स बराबर दिया हुआ क्या ना कॉस करा निरंतर ह्रासमान, कौन सा इसमें कंडीशन जो निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान हम लोगों को ज्ञात करना, तो फंक्शन क्या क्या करो, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट के लिए तो कॉस का डिफरेंस क्या हो जाता है, माइनस में साइन एक्स ए हो गया। अब ये क्या ना नंबर लाइन देखो, अब यहाँ से क्या ना जीरो से पाई, अब जीरो से पाई मतलब किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर जीरो से ना जीरो से बड़ा रखेंगे और 180 से छोटा रखेंगे तो इसके मान सब क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, नहीं तो जीरो से बड़ा रखो क्या ना 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या ना साइन 30 डिग्री का मान 1/2, रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव में ही आया। अब 150 देखो तो साइन 150 का मान भी क्या था ना 1/2 ही होता है, तो 1/2 तो भी क्या आया माइनस में ही, तो ये माइनस में ही आ रहा है, राइट है। तो जीरो और पाई के बीच में अगर यहाँ पे इसमें कोई मान रखते हैं जीरो और 180 डिग्री के बीच में, तो मान क्या रहा है, नेगेटिव में, तो ये आपका निरंतर नेगेटिव वाला पार्ट को ही क्या बोलते हैं, अस्टिग्री डिक्रीजिंग, क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। तो यही हो गया ऑप्शन नंबर ए, जीरो और पाई के बीच में नहीं है, तो जीरो और पाई, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, इधर भी नेगेटिव आ रहा है, राइट, इधर भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस पाई बाई टू, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते, इसको क्लियर नहीं हुआ, अरे फिर से देखो ना इसका डिफ्रेंशिएट के लिए कॉस का माइनस साइन, राइट है। अब इसको नंबर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ए लिख दो जीरो पाई और क्या ना पाई बाई टू है, और कोई ऑप्शन है यहाँ पे, माइनस में पाई बाई टू ए है, बस इतना ही है। अब देख लो कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव आ रहा है, जीरो और पाई के बीच में मान रखो 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान रखेंगे तो मान नेगेटिव आएगा, यहाँ 30 डिग्री रखो तो साइन 30 डिग्री का मान क्या था, 1/2, तो 1/2 नेगेटिव आया, नेगेटिव। अब 90 से बड़ा कोई मान लो 120 रखेंगे तो 120 किसके बराबर, और 60 के, तो साइन 60 का मान कितना, √3/2, माइनस नेगेटिव में आया। अब जीरो और पाई बाई टू माइनस, तो जीरो से छोटा माइनस 30 डिग्री, तो साइन माइनस 30 डिग्री का मान माइनस में 1/2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव वाला मान आ रहा है, नेगेटिव वाला कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, जीरो से पाई के बीच में आ रहा है, तो जीरो से पाई के बीच में आ रहा है नेगेटिव वाला मान, तो ये
आपका क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड में क्या ना, ए उसी प्रकार इसमें करा निरंतर वर्तमान बताओ। निरंतर वर्तमान बताने के लिए क्या ना, फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है ना कॉस एक्स, फिर उसी प्रकार से नंबर लाइन बना लो, कहाँ जीरो से पाई, जीरो से पाई बाई टू, फिर जीरो से पाई, जीरो से पाई, और फिर माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, ए लिख दिए। अब देखो जहाँ से का निगेटिव है, यहाँ पे जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई, ए लिख दिए, सारा वैल्यू रख दिए। अब सब चेक करो कहाँ निगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ रखो तीस, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा क्या ना तीस रख दे, क्या ना माइनस तीस, तो कॉस माइनस तीस, माइनस तीस का मान क्या होता है ना कि ए रूट थ्री बाई टू होता है, लेकिन निगेटिव का वैल्यू पॉजिटिव कॉस बना देगा, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। क्यों, क्योंकि कॉस माइनस तीस क्या होता है ना कॉस तीस होता है। अब तीस का वैल्यू एक बटा दो पॉजिटिव आया। अब जीरो और ना इसके नब्बे के बीच रखो तीस, अब पॉजिटिव में तीस रखेंगे तो कॉस तीस का भी वैल्यू रूट थ्री बाई टू पॉजिटिव में आया। अब पाई बाई टू, तीस से बड़ा मान रखो 120, तो 120, 120 रखते हैं तो कॉस 120 का मान क्या होता है ना कि 60 के बराबर, 60 का मान क्या होता है ना एक बटा दो, और 120 किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, नेगेटिव आया। अब इधर ना 150 से बड़ा, 150 से बड़ा रखेंगे ना मान, सॉरी 180 से बड़ा रखेंगे, उसका भी मान क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, तो ये इतना दूर क्या ना नेगेटिव आया, ये दोनों पॉजिटिव, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में पॉजिटिव है, तो इतना दूर ही फंक्शन क्या वर्तमान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, सी। क्या पूछ रहा है, वर्तमान, वर्तमान मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं निरंतर वर्तमान, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है ना तो क्या करो ना, इसका एक्सरसाइज देखो, जो अगर लेक्चर दिया गया ना वो लेक्चर हम लोग देख लेंगे तो पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा, तो अपने आप ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद बना पाएंगे, अपने आप बन जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में सब सारा क्वेश्चन था, बस उसी से क्या ना ऑब्जेक्टिव अलग कर दिए और बता रहे हैं, राइट है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या ना, क्या कह रहा है, एफ फलन एफ एक्स बराबर ए गिवन है, तो आर एक वर्तमान फलन है, इसमें बताओ ये पूरा रियल नंबर पे वर्तमान फलन है या निरंतर वर्तमान है या निरंतर ह्रासमान है या वर्तमान ह्रासमान दोनों या नन ऑफ दिस, ये पूछ रहा है। यह फंक्शन पूरे रियल नंबर पे, तो इसको चेक करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएट करो तो सेवन एक्स का क्या हो जाएगा सेवन, माइनस थ्री का जीरो। अब एफ इसका डिफरेंशिएट क्या आ गया सेवन, तो बताओ यह सेवन इसका मान कभी जीरो से छोटा आएगा क्या, जीरो के बराबर आया क्या, नहीं, इसका जब भी वैल्यू आएगा जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब क्या पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट को क्या बोलते हैं निरंतर वर्तमान, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा निरंतर वर्तमान। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट किया और इसका वैल्यू हमेशा क्या रहा है जीरो से बड़ा रहा, जो जीरो से बड़ा हो उसको हम लोग बोलते हैं निरंतर वर्तमान फलन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, इसको नोट करते फिर देखते फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, फाइव में क्या है, यदि एफ एक्स बराबर एफ फलन एफ एक्स ए दिया हुआ, तो एफ एक फलन है, कैसा फलन है, निरंतर वर्तमान है, निरंतर ह्रासमान है या वर्तमान ह्रासमान दोनों सेम, तो इसका क्या ना चेक करना, तो डिफरेंशिएट करो, एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, और एट एक्स का डिफरेंशिएट एट, और थ्री बाई टू का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ना जीरो हो जाएगा ना, इसका डिफरेंस जीरो, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया एट, इसका वैल्यू क्या जीरो से बड़ा आया नहीं, ये इसका रिजल्ट क्या ना जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा है क्या, नहीं, जीरो से छोटा भी नहीं है, जीरो के बराबर भी नहीं है, जीरो के बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा निरंतर वर्तमान होगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर फाइव। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर क्या ना सिक्स, सिक्स में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में एफ एक्स ए जो फंक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव में वर्तमान फलन है, कौन सी किस अंतराल में वर्तमान फलन, उसको ज्ञात करना था, फंक्शन का क्या करो डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, थ्री एक्स का थ्री, ये कह ले, फिर एफ डैश एक्स बराबर जीरो करना होता है, तो क्या ना टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू। अब नंबर लाइन बना लो माइनस थ्री बाई टू, कहाँ से माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। अब माइनस थ्री बाई टू से कोई बड़ा मान बताओ क्या, पाँच तीन ले लो तीन। अब तीन इसमें रखेंगे इधर से ना तीन, या जीरो, जीरो इधर ही होगा, जीरो इसमें रखो, जीरो रखेंगे जीरो, जीरो क्या बचेगा पाँच, पाँच निगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में, पॉजिटिव में,
तो इधर से जो भी वैल्यू रखेंगे इसमें तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव में, अगर इन्हें पॉजिटिव आया तो अवश्य क्या आएगा निगेटिव आएगा, ये हो गया। तो निगेटिव वाला पार्ट को क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं इंक्रीजिंग। तो देखो तो हम लोग को क्या पूछ रहा है वर्धमान, वर्धमान इंक्रीजिंग मतलब होता है वर्धमान। तो अब इसमें देखो तो वर्धमान, वर्धमान कहाँ से कहाँ तक हो रहा माइनस 3/2 से इन्फोनाइट तक, माइनस 3/2 से प्लस इन्फोनाइट तक वर्धमान हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा बी मैच कर जाएगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर कंप्लीट करते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, तो इसको नोट करते फिर देखते 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या करना है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में, ए दिया हुआ 2/x² इंटू ई पर पावर माइनस, इसका करना वर्धमान फलन या फंक्शन किस अंतराल में वर्धमान फलन बताओ। फर्स्ट ए में ऑप्शन नंबर बी सी या डी होगा, सो बताओ। तो वर्धमान फलन अंतराल ज्ञात करना वर्धमान, तो वर्धमान अंतराल ज्ञात करने के लिए ना यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, तो बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा डी बाई वाई डी एक्स, ये हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, ई पर पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा प्लस, अब एक्स स्क्वायर को कॉन्स्टेंट रखो, ई पर पावर माइनस एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा ई पर पावर माइनस एक्स के साथ जो गुना वो गुना हो जाएगा माइनस, माइनस एक्स का डिफरेंस से माइनस वन, तो माइनस डायरेक्ट कह लिए। अब इसमें देखो कॉमन मिल रहा है एक्स ई पर पावर माइनस एक्स, क्या बचेगा यहाँ पे बच जाएगा इसमें यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ बचेगा x, ये आ गया डी बाई वाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करें डी बाई वाई डी एक्स बराबर 0 कर दो, तो यहाँ बच जाएगा x e के पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा इतना बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, फिर इतना बराबर 0 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो x का क्या वैल्यू आ गया 2 वैल्यू, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ये लिख दो, एक्स का मान 0 और एक्स का मान 2, ए फाइन के लिए। अब ये देखो 0 से ना बड़ा मान रखो एक 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 ले लिए, और एक किस में रखेंगे इस डिफरेंशियल फंक्शन में रखेंगे, एक रखेंगे तो रिजल्ट यहाँ पर एक आएगा और यहाँ एक रखेंगे तो एक है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव, जब एक रखेंगे इसमें और हल करेंगे तो मान क्या रहा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आ गया। अब पॉजिटिव में आ गया तो इधर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इधर पॉजिटिव आया तो इधर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, अल्टरनेट चलता है हम लोग जानते हैं, इधर भी नेगेटिव होगा। अगर दूसरे बड़ा कोई मान 3 रखो, इसमें 3 रखेंगे तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा इसमें 3 रखेंगे तो मान क्या आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव आया। अब 0 से छोटा भी कोई मान रखेंगे इसमें तो मान क्या आएगा नेगेटिव में। तो देखो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक है, तो इतना ही पार्ट क्या कहलाएगा वर्धमान फलन, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 0 से 2, तो 0 से 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग इसमें ना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को कंप्लीट किए। अब देखो 7 टाइप से आपको क्या ना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चन समझाएं, अगर आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के यही 7 क्वेश्चन और रेट मेजर से हम लोग क्या ना और 4 क्वेश्चन इसमें दिए ये सब अगर इतना कंप्लीट कर लेते तो आपका क्या ना कि रेट मेजर से और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से 3 मार्क्स क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। राइट, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।